हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज मैं आप लोगों को शारदा यूनिवर्सिटी कैंपस टूर कराता हूं, जो कि ग्रेटर नोएडा में ही है। तो और जैसे आप लोग शारदा गेट नंबर 3 पहुंचिएगा तो शारदा विश्वविद्यालय लिखा हुआ दिख जाएगा और गेट नंबर 3 से ही एंट्री मिलता है आउटसाइडर को। और तो चलिए आप गेट से अंदर होते हैं और यहाँ पर स्कैनर लगा हुआ होता है, यहाँ पर आईडी कार्ड आपके पास है तो आपको आईडी कार्ड स्कैन करके फिर अंदर जा सकते हो, नहीं तो फिर यहाँ पर विजिटर पास आपको मिल जाएगी, तो विजिटर पास से आप लोग अंदर आ सकते हैं। फिर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया शारदा यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छा डेकोरेट किया गया है यहाँ पे। और फिर चलिए मैं आप लोगों को अब कैंपस टूर कराता हूँ शारदा यूनिवर्सिटी का। तो यहाँ पर आप लोग इधर से जाइएगा, फिर आप लोगों को यहाँ पे सीधा मिल जाएगा देखने को स्कूल ऑफ बेसिक साइंस एंड रिसर्च, ये ब्लॉक 3 है और ब्लॉक 2 और उसके उधर में है ब्लॉक 1, जो कि ब्लॉक 3 में यहाँ पे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को बीटेक फर्स्ट ईयर लोगों को पढ़ाया जाता है। फिर वहाँ पे आप लोग को ले चलता हूँ मैं सीधा एडमिशन सेल की तरफ, जो कि वहाँ पे एडमिशन होती है। फिर ब्लॉक वन में पढ़ाया जाता है सेकेंड ईयर से लेके फाइनल ईयर तक। और इस ब्लॉक को एडमिशन ब्लॉक बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे एडमिशन होती है, इंटरनेशनल और नेशनल दोनों का एडमिशन यहीं पे होती है। तो चलिए मैं आगे आप लोग को दिखाता हूँ एडमिशन सेल। और यहाँ पे इंटरनेशनल डिवीज़न के सामने में है, यहाँ पे एक लोन है जो कि आप लोग देख सकते हैं और काफ़ी लोग यहाँ पे बैठते हैं इस लोन में आगे, और कुछ फंक्शंस भी होती हैं यहीं पे। तो चलिए मैं आगे आप लोगों को अंदर दिखाता हूँ एडमिशन सेल। और यहाँ पे देख सकते हैं, इम्पोर्टेंट थिंग वर्ल्ड इज हियर, वेयर आर यू। तो चलिए मैं आप लोगों को अब ले चलता हूँ, ब्लॉक 2 में ही है ये स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे पूरा शारदा यूनिवर्सिटी का यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया गया है, जो कि शारदा यूनिवर्सिटी 63 एकड़ में फैला गया है। 63 एकड़ में क्या है, कौन से पोजीशन में कौन सा डिपार्टमेंट है, सारा चीज़ यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं व्हाइट वाला, ये कैंसर हॉस्पिटल अभी बन रहा है और उसी के सामने में नर्सिंग हॉस्पिटल है। उसके बाद फिर यहाँ पर देख सकते हैं हॉस्टल ही है। उसके बाद फिर आगे से इधर घूम के ये आप लोग देख सकते हैं, ये लाइब्रेरी है यहाँ पे, लाइब्रेरी में भी ये स्पोर्ट्स का कुछ फैसिलिटीज़ है यहाँ पे। फिर आप लोग पीछे देख सकते हैं, ये बॉयज़ हॉस्टल है, फिर वो मंडेला हॉस्टल है जो कि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का हॉस्टल है वहाँ पे। उसके बाद फिर ये टाइगर हॉस्टल है यहाँ पे, यह पीजी हॉस्टल है। उसके बाद फिर ये यहाँ आप लोग फिर इधर से घूम के यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये फुटबॉल ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड कुछ इस प्रकार दिखता है यहाँ पे। फिर ये कुछ यहाँ पे बन रहा है बिल्डिंग है। उसके बाद फिर और यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा ब्लॉक 1 में स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, फिर सीधा में फिर उसका ब्लॉक 2 में जहाँ पे एडमिशन्स होती है, फिर ब्लॉक 3 स्कूल ऑफ साइंस एंड रिसर्च है। फिर उन दोनों ब्लॉकों के सामने हमें आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ पे सबसे बड़ा ग्राउंड, जो कि फ्री टाइम में बैठते हैं। अब मैं आप लोगों को क्लासरूम दिखाता हूं, जो कि आप लोग देख सकते हैं यहां पे जिस तरह IITians में क्लासेस रूम रहते हैं, उस तरह यहां पे शारदा में बनाया गया फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए, ताकि वो आए और पूरा IIT का फील लें इस प्रकार से। और ये ब्लॉक है साइंस एंड रिसर्च ब्लॉक, जो कि यहाँ पे रिसर्च होती है। और यह इधर आप लोग देख सकते हो, ये डेंटल डिपार्टमेंट है, जो आप लोग शीशा वाला देख रहे हो ये डेंटल डिपार्टमेंट है, यहाँ पे सारे एक्सपेरिमेंट होती है। मैं आप लोगों को डेंटल ब्लॉक भी दिखाऊँगा। तो और इस ब्लॉक में रिसर्च की क्लासेस चलती है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ब्लॉक 3 में रिसर्च की क्लासेस चलती है यहीं पे। और इधर से भी कुछ लोग जाते हैं और ऊपर में आप लोग देख सकते हैं कुछ। चलिए मैं आप लोगों को अब ले चलता हूँ ब्लॉक 4, जो कि वहाँ पे ब्लॉक 4 पे बी फार्मा और फार्मास्यूटिकल्स का सभी वहाँ पढ़ाई होती है। तो चलिए मैं आपको स्ट्रक्चर में आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये रहा ब्लॉक 4, जहाँ पे बी फार्मा, नर्सिंग और फार्मास्यूटिकल और सिविल इंजीनियरिंग की यहाँ पे क्लासेस होती है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले आप पे पढ़ाई होती है बी फार्मा, इन सिविल इंजीनियरिंग और नर्सिंग की होती है। और ये ब्लॉक 4 का अंदर का कुछ इंटीरियर इस प्रकार से बनाया गया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कितना अच्छा से डेकोरेट किया गया है ब्लॉक 4 का। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये है, इधर से आप भी आप लोग एंट्री कर सकते हैं। और मैं नर्सिंग और बी फार्मा और सिविल इंजीनियरिंग की क्लासेस में दिखाता हूँ आप लोगों को। तो ये जो रूम आप लोग देख रहे हैं, ये सारे क्लासेस हैं यहाँ पे बी फार्मा और बी फार्मेसी। और यहाँ पे और ये जो ब्लॉक है यहाँ पे स्कूल ऑफ फार्मेसी का ही है, तो यहाँ पे फार्मेसी की क्लासेस चलती है। और यहाँ पे बिल्डिंग आप लोग देख सकते हैं कितना स्ट्रक्चर है यहाँ पे, कितना अच्छा से बनाया गया है इसको। यहाँ पे नीचे से आप लोग देखिए कितना डिजाइनिंग के साथ फार्मेसी ब्लॉक को यहाँ पर बनाया गया है यहाँ पर। तो चलिए अब चलते हैं स्कूल ऑफ डेंटल एंड साइंस में देखते हैं। चलिए अब मैं आप लोगों को ले चलता हूँ स्कूल ऑफ डेंटल एंड साइंस में। मैं आप लोगों को बताया कि यहाँ पे ब्लॉक 21 पे डेंटल ऑफ साइंस है,
तो चलिए मैं आगे आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे लैब है, एक एक करके सभी कुछ यहाँ पे एक्सपेरिमेंट भी होता है अच्छा से दा। और ये जो आप लोग लैब देख रहे हैं, ये डेंटल एक्सपेरिमेंट के लिए यहाँ पे लैब दिया गया है सभी छात्रों को। तो चलिए अब चलते हैं आगे के और एक्सप्लोर करते हैं और शारदा यूनिवर्सिटी में है क्या, तो आगे चलते हैं। आप लोग को देख सकते हैं ये पीजी है, जो आप लोग इधर बिल्डिंग देख रहे हैं ये पीजी है, और आगे एक मंडेला गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज़ हॉस्टल दोनों यहाँ पे है। तो यहाँ पे फिर आसपास में आगे आप लोगों को मिल जाएगा कैंटीन्स। और शारदा यूनिवर्सिटी के कैंपस का हॉस्टल में आप लोगों को टूर कराता हूँ, जो कि यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल के लिए सेपरेट है और बॉयज़ हॉस्टल के लिए सेपरेट है। गर्ल्स हॉस्टल के लिए टोटल 4 हॉस्टल दिए गए हैं और बॉयज़ हॉस्टल के लिए भी 4 है। जैसे कि मैं सबसे पहले मदर टेरेसा है, सरोजनी है, कस्तूरबा, फिर मंडेला है। जैसे कि बॉयज़ हॉस्टल के लिए भी 4 हॉस्टल दिए गए हैं, टाइगोर, मंडेला बॉयज़ हॉस्टल और भी है। तो चलिए मैं सारे चीज़ आप लोगों को दिखाता हूँ इस ब्लॉग पे, कहाँ पे कौन सा हॉस्टल लोकेटेड है। और जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एक एक करके यहाँ पे कैंटीन भी है, कोका कोला का कैंटीन है, अमूल का यहाँ पे है। और ये जो आप लोग देख रहे हैं ये मंडेला बॉयज़ हॉस्टल एंड गर्ल्स हॉस्टल, यहाँ पे दोनों को सेपरेट दिया गया है। बॉयज़ हॉस्टल के लिए अलग रूम है और गर्ल्स हॉस्टल के लिए अलग रूम है, डिवाइड दोनों साइड किया गया है। और यहाँ पे यही हॉस्टल है जहाँ पे नॉन वेज अलाव है यहाँ पे, बाकी सारे कैंपस में ही है, नॉन वेज अलाव नहीं है। तो यहाँ पे चलिए मैं आगे आप लोगों को ले चलता हूँ जहाँ पे लॉन्ड्री रहती है सारे यूनिवर्सिटी बच्चों के लिए, और यहाँ पे सैलून भी है। पहले यहाँ पे कुछ साल पहले यहाँ पे मॉल था, कोविड से पहले यहाँ पे मॉल था, अब मॉल हटा दिया गया है क्योंकि यहाँ पे यहाँ से अब कोई नहीं लेते हैं, इसलिए यहाँ से मॉल हटा दिया गया है। और चलिए मैं आगे आप लोगों को लॉन्ड्री दिखाता हूँ। ये जो सामने यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वो लॉन्ड्री है, और इसी के बगल में सैलून है जहाँ पे यहाँ बाल कटवा सकते हो। और ये जो हम लोग मेरा पीछे आप लोग देख सकते हैं वो ब्लॉक नंबर 7 है, जो कि स्कूल ऑफ बिजनेस एंड डेवलपमेंट है, और उसी के सामने में ही एक है फुटबॉल ग्राउंड, जो कि बहुत ही बड़ा फुटबॉल ग्राउंड है यहाँ पे। तो चलिए मैं आगे आप लोगों को ले चलता हूँ फुटबॉल ग्राउंड यहाँ का। और ये जो ग्राउंड आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे फुटबॉल खेला जाते हैं, फुटबॉल खेलते हैं काफ़ी लोग। और यहाँ पे कोरस का इवेंट हुआ था अभी हाल ही में, तो यहाँ पे इवेंट भी होते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं यहाँ पे। तो चलिए लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितना बड़ा ग्राउंड है यहाँ पे। तो चलिए मैं आप लोगों को मंडेला गर्ल्स हॉस्टल का पीछे से मैं दिखाता हूँ, जो कि ये बिल्डिंग कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पे नाव का शेप में है आप लोग देख सकते हैं। और मैं जैसे कि बताया था यहाँ पर लॉन्ड्री फैसिलिटीज़ भी है, सब इसी के नीचे बेसमेंट में है। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैंपस में कैंपस का हॉस्टल। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ब्लॉक नंबर 28 विवेकानंद हॉस्टल है, जो कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को मिलता है, जो एडमिशन लेते हैं फर्स्ट ईयर में उन लोगों का अलाउट होता है यहाँ पे विवेकानंद हॉस्टल में। उसके बाद आ जाता है जवाहर हॉस्टल, जो कि ये सेकेंड ईयर स्टूडेंट से, और आप लोग फर्स्ट ईयर में भी ये हॉस्टल ले सकते हैं, काफ़ी ये महंगा रहता है। फिर यहाँ पे टैगोर हॉस्टल आ जाती है, टैगोर हॉस्टल सेकेंड ईयर से और थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर स्टूडेंटों के लिए यहाँ पे अलॉट रहता है। तो चलिए मैं आगे आप लोगों को दिखाता हूँ जी। तो चलिए आगे अब चलते हैं जवाहर हॉस्टल की तरफ, और ये देख सकते हैं ब्लॉक नंबर 29 में जी हॉस्टल है, जवाहर हॉस्टल है ब्लॉक नंबर 29 में। और तो चलिए अब हॉस्टल में कैसे एंट्री लेते हैं मैं वो बताता हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले यहाँ पे एक स्कैनर मशीन रहता है, वो वहाँ पे आप लोगों को थंब को स्कैन करना पड़ता है, वो रिकॉग्नाइज करेगा, उसके बाद वो आप लोगों को परमिशन दे देगा कि गेट खुल जाएगा, फिर आप लोग वो अंदर जा सकते हैं। यहाँ पे वही मशीन लगा हुआ है यहाँ पे आप लोग, और फिर यहाँ पे देख सकते हैं ये बास्केटबॉल कोर्ट है, यहाँ पे बास्केटबॉल अक्सर खेलते हैं यहाँ पे लोग, शाम के समय में बहुत ही भीड़ लग जाता है शाम के समय पे यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे दो दो कोर्ट लगा हुआ है, दो दो, एक इधर है एक उधर। तो फिर चलिए मैं आगे आप लोगों को शारदा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी ले चलता हूँ, जहाँ पे यहाँ आप लोग देख सकते हैं साहब इस लाइब्रेरी का नाम है स्वामी विवेकानंद लाइब्रेरी, जो कि यहाँ पे एक स्पोर्ट भी है, यहाँ पे खेल सकते हैं, और यहाँ पे पूल भी है और स्पोर्ट भी यहाँ पे खेल सकते हैं, ऊपर में बैडमिंटन कोर्ट और काफ़ी है। जैसे कि मैं आप लोगों को बताया था कि लाइब्रेरी के ऊपर में ही स्पोर्ट है। तो यहाँ पे चलिए मैं आ चुका हूँ यहाँ पे, ये डांसिंग रूम है यहाँ पे, और तो चलिए मैं आगे आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे पूल है, जो पूल आप लोग पता ही होगा, मैं पूल का यहाँ पे चार्जेस भी है 150 रुपये घंटा, मतलब 150 एक घंटा आप लोग खेल सकते हैं यहाँ पे पूल, जो कि बहुत ही अच्छा है यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ पे खेल रहे हैं पूल, और ये सब एक घंटा के 150 चार्जेस कर रहा है, तो दे रहे हैं वो सारे। तो यहाँ पे आप लोग खेल सकते हैं, और भी यहाँ पे है, और यहाँ पे अभी एक टेबल लगा है यहाँ पे, पूल का नया मैच स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। तो चलिए मैं आगे
आगे कुछ दिखाने से पहले मैं आप लोगों को एक मैच दिखाता हूँ कैसे स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए बॉल सजाया जा रहा है यहाँ पे टेबल पे, और फिर उधर से एक शॉट मारेगा सीधा वाइट बॉल को, यहाँ पे देख सकते हैं वो लड़का वाइट बॉल को यहाँ पे मारेगा फिर सीधा जाएगा। तो चलिए आगे आप लोग देख दिखाता हूँ मैं आगे आप लोगों को। तो ये मारा बॉल को, और फिर यहाँ पे गेमिंग भी आप लोग खेल सकते हो जैसे कंप्यूटर गेमिंग्स यहाँ पे खेल सकते हो एज। तो चलिए मैं आगे आप लोगों को ले चलता हूँ स्पोर्ट। यहाँ पे टेनिस खेलते हैं, यहाँ पे बैडमिंटन और टेबल टेनिस उधर खेलते हैं, यहाँ पे बैडमिंटन खेल रहे हैं अभी ये सब। फिर ये लाइब्रेरी के सबसे लास्ट फ्लोर में, फिफ्थ फ्लोर में ये गेम यहाँ पे है। यहाँ पे आप लोग बैडमिंटन भी खेल सकते हो और टेबल टेनिस भी खेल सकते हो, फिर ये गेम भी खेल सकते हो। तो यहाँ पे चलिए एक गेम खेलते हैं इसको। और We can do like this. मैच स्टार्ट होने से पहले ही वो पहला शॉट मार दिया था, तो यहाँ पे फिर से स्टार्ट होने जा रहा है। यहाँ पे बॉल ऊपर रख दिए हैं तो फिर से यहाँ पे स्टार्ट होगा। तो मेरे को ये दे रहा है ऊपर से बॉल छोड़ने के लिए, तो मैं यहाँ पे ऊपर से छोड़ देता हूँ बॉल। उसके बाद फिर मैच स्टार्ट हो गया यहाँ पे। तो आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा से सब खेल रहे हैं, पहला पॉइंट आ गया है। तो फिर से बॉल निकाल रहे हैं, बॉल निकालने का यहाँ से नीचे से आप लोग यहाँ पे बॉल निकाल सकते हो, फिर यहाँ पे मिडिल में रखा जाता है, उसके बाद फिर दूसरा शॉट लोगों को। Yeah, it is started now. No. I have not touched the ball. I have not touched. I have not touched the ball. No. और ये जो आप लोग देख सकते हैं ये क्रिकेट ग्राउंड है यहाँ पे, और पहले कुछ भी इवेंट होता था सबसे बड़ा इवेंट यहाँ पे होता है, तो उसी के लिए यहाँ पे बनाया जा रहा है अच्छा से। और मंडेला के सामने में ही ये ग्राउंड है, तो यहाँ पे क्रिकेट टूर्नामेंट कुछ भी बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट होता है तो यहीं पर खेलते हैं सभी लोग, तो इसीलिए इसको अच्छा से बनाया जा रहा है। और पहले यहाँ बैठने वाला पहले यहाँ पर बैठने वाला नहीं था, तो अब यहाँ पर बैठने वाला भी बना दिया जा रहा है स्टेडियम लाइक से। स्टेडियम में जिस तरह बैठने के लिए रहता है उस तरह यहाँ पे भी बना दिया जा रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये मंदिर है शारदा यूनिवर्सिटी का। उसके बाद फिर मंदिर के सामने में, और मंदिर के सामने में ही गर्ल्स हॉस्टल थी सरोजनी। तो ये रहा गेट नंबर 4 का स्कैनर, जो कि आप बाहर भी आ रहे हो तो स्कैन करके आईडी कार्ड स्कैन करके आपको बाहर आ सकते हैं, आप बाहर आ सकते हैं। तो चलिए मैं आगे आप लोगों को दिखाता हूँ ये गेट नंबर 4 का आउटसाइड का इलाका है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ खाने के लिए ठेले लगे रहते हैं। तो चलिए आप देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। सबसे